फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल फिश फ्राई। जी हाँ, टू स्टाइल्स में मैं आपको बता रही हूँ। ये हैदराबादी स्टाइल में है मच्छी। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स। जी हाँ, ये विंटर स्पेशल है, दो स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारी हैदराबादी स्टाइल की और ये है हमारी कर्नाटक स्टाइल की बिदर। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार, यहाँ की बहुत फेमस डिश है ये भी। तो विंटर में ये खुसूसन ख़ास करके ये बनाते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और कम सामान में बनती है ये रेसिपी कर्नाटक की। जी हाँ, तो ये हैदराबादी है, ये भी बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। आपको आधा घंटा लगेगा ये रेसिपी बनाने के अंदर। तो ये दो स्टाइल में आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। ये खाने से, मच्छी खाने से बॉडी में हमारे ब्लड आता है फ्रेंड्स। जी हाँ, सर्दी नहीं होती है, हमको बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती है। आप अपने तरीके से बनाते होंगे, तो ये मेरे स्टाइल से आप इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AF किचन फूड ज़ायका में आपका स्वागत है। मैं हूँ अस्मा। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेसिपी फिश फ्राई। जी हाँ, मच्छी जो हम आपको दो स्टाइल में तलकर बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक हैदराबादी स्टाइल में, एक बिदर कर्नाटक के स्टाइल में हम आपको दिखाएंगे। ये मच्छी यहाँ की बहुत फेमस है और किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम आपको बताएंगे। सर्दी के मौसम में गरम गरम अगर मच्छी मिल जाए तो मज़ा बहुत आ जाता है फ्रेंड। जी हाँ, रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल जैसे हम चाहें घर पर बनाएं, वैसे ही स्टाइल की जैसा हम जाकर बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में या होटल पर बैठ कर, हम तो वही स्टाइल की हम इजीली घर पर बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही टेस्टी होती है फ़िश। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या सामान लगेंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ 1.5 किलो मच्छी। जी हाँ, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से धोकर रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट से ये तो कटा कर लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन धोकर अच्छे से रख दिया है। इसको विनेगर से मैंने धोकर रख दिया है फ्रेंड्स। जी हाँ, अगर हम विनेगर से धो देंगे तो इसके अंदर बिसान जो वो है वो चले जाएगी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से। देखिए कितने साफ़ नीट एंड क्लीन पीसेस है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये 1.5 किलो मच्छी है, मैं ले रही हूँ 1.5 किलो मच्छी। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप पहले बताऊंगी कि ये हमारी मच्छी यहाँ की कर्नाटक स्टाइल की है। मैं आपको बताऊंगी कर्नाटक में कैसे मच्छी बनाते हैं बिदर में। तो देखिए फ्रेंड्स, तो 1.5 किलो मच्छी है और ये है मेरा 1 किलो ऑयल। जी हाँ, जिसको मैंने बाय मिस्टेकली इसमें कढ़ाई में डालकर रख दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, ये मैंने डालकर इसमें रख दिया है। चलिए, तो अब हम लेंगे इसके लिए क्या क्या मसाले लगते हैं, हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए क्या क्या मसाले लगते हैं, देखिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून हमारी लाल मिर्ची पाउडर है और 1 टीस्पून हमारा नमक है। देखिए फ्रेंड्स, और ये है हमारा, ये देखिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला है इसके अंदर और 1/2 टीस्पून है हमारा हल्दी पाउडर। ये है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, लीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा लगता है हमको अदरक लहसुन। अब अगर आप चाहे तो 2 टीस्पून भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने 2 के बदल 1 टेबल स्पून ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ये है फिश मसाला 1 टीस्पून और ये है हमारा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और ऑरेंज फूड कलर है मेरा, ये देखिए 1/2 टीस्पून फ्रेंड्स। ये हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए, करके बनाइए तो ये बहुत ही मज़ेदार होती है फ्रेंड्स। जी हाँ, रेस्टोरेंट और होटल से कम नहीं बनती है। चलिए आइए हम आपको बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम ले रहे हैं 1.5 किलो मच्छी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून हमारा, देखिए मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून नमक। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हम इसमें अच्छे से इसको ऐड कर लेंगे। इसमें लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें, जी हाँ ये डाल रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून हमारा गरम मसाला और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। और हम अब इसमें अच्छे से ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है आप देख सकते हैं और फिश मसाला 1 टीस्पून है और ये है हमारा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और ये 1/2 टीस्पून फूड कलर है, हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। और हमको चाहिए अभी
जी हाँ, देखिए ये है हमारा कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, देखिए अब हम ऐड करने वाले हैं कॉर्नफ्लोर। 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर को इसमें अच्छे से ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब उसके साथ हमको चाहिए 1 अंडा। जी हाँ, ये अंडा हमको डालना इम्पॉर्टेंट है। ये डालने से बहुत ही क्रिस्पी होती है फिश, बहुत ही मज़ेदार होती है फ्रेंड्स। ये हैदराबादी स्टाइल की है मच्छी। जी हाँ, ये हैदराबादी स्टाइल की है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैंने अंडे को फोड़ दिया है। अब इसमें अच्छे से हम डाल रहे हैं और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से मसाला लगा दिया है। कॉर्नफ्लोर और अंडा भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मच्छी में कॉर्नफ्लोर और अंडा लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। जी हाँ, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। क्योंकि ये हैदराबादी स्टाइल में बनाना है तो आपको ये अंडा और कॉर्नफ्लोर लगाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। आप इसको लगाकर आधे घंटे के लिए रख दीजिए, 25 से 30 मिनट के लिए। जी हाँ, इसको लगाकर रख दीजिए, उसके बाद आप इसको फ्राई करिए। बहुत ही मज़ेदार होती है फ्रेंड्स, ये हैदराबादी स्टाइल की मच्छी है। मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए मैरिनेट करके रख दिया है 1/2 आवर के लिए। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जी हाँ, हमारी कर्नाटक की मच्छी हम कैसे बनाते हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ 2 स्टाइल में मच्छी। जी हाँ, तो इस सर्दी में मच्छी खाने का मज़ा बहुत है। विंटर स्पेशल रेसिपी है। जी हाँ, ये फ़िश की ये बहुत ही मज़ेदार होती है फ्रेंड्स। जी हाँ, आप ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ये है 1.5 किलो मच्छी। जी हाँ, मैंने आपकी इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक भी दे दूँगी और इसके रेसिपीज़ भी दे दूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जी हाँ, ये है हमारी 1 किलो से ज़्यादा है ये मच्छी, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने भी धोकर, इसको अच्छे से पीसेस करे हुए थे, मैंने इसको अच्छे से धोकर विनेगर से साफ करके रख दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर, इसके अंदर सामान ज़्यादा नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, इसको इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं। कम टाइम में और कम सामान में ये बनकर रेसिपी रेडी हो जाती है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, 1 टीस्पून नमक चाहिए हमको, ये देखिए। और ये ले लीजिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, ये है 1/2 टीस्पून हमारा हल्दी पाउडर। जी हाँ, ये 3 इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। इसको मिक्स करना है वो मसाले, और उसके बाद ये हमको मसाले चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, उसके बाद के मसाले फ्राई करते हुए हमको डालना है। तो ये देखिए, ये है 1 टीस्पून हमारा लाल मिर्ची पाउडर, ये है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ फ्रेंड, ये देखिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है नमक। जी हाँ, इसके पानी से वो मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के स्टाइल की है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल से मैं आपको बता रही हूँ। ये भी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत प्यारी डिश है, बहुत ही मज़ेदार होती है ये डिश। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम डालने वाले हैं 1 किलो से ज़्यादा ये मच्छी है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको भी हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, 25 से 30 मिनट के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स, देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से मसाले लगा दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको भी हम मैरिनेट करने के लिए 25 से 30 मिनट तक हम इसको भी रख देंगे, इसको मसाला लगा कर। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद हम फ्राई करेंगे, आपको अच्छी अच्छे से मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। 1/2 आवर हो चुके हैं, 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं। तो मैंने गैस के ऊपर इस कढ़ाई में तेल जो था उसको रख दिया है गरम होने के लिए। अब ये 5 मिनट तक इसको गरम होने दीजिए, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। आप चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम मच्छी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं डाल रही हूँ हमारी मच्छी। जी हाँ, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप ज़्यादा पीसेस डालिए, मेरी कढ़ाई छोटी है, मीडियम है, इसीलिए मैं 2 से 3 पीसेस डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, वैसा तो हैदराबाद में हर मौसम में मच्छी खाते हैं। जी हाँ, बस ऐसे लोग हैं जो गर्मी में नहीं खाते, सर्दी में ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए ये विंटर स्पेशल है
रेसिपी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, टू टाइप्स की। जी हाँ, क्योंकि मुझे हैदराबाद के टाइप्स की, हैदराबाद के स्टाइल की भी बनाने आती है और कर्नाटक की भी। जी हाँ, तो ये हैदराबाद स्टाइल की है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारी मच्छी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम निकाल देंगे एक प्लेट में अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये विंटर स्पेशल है, ये खाने से बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गर्म गर्म सर्दी के मौसम में मच्छी खाने से खून भी आता है और इसमें विटामिन भी है फ्रेंड्स। चलिए, तो हमारी मच्छी हैदराबादी स्टाइल में बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी आधा घंटा हो चुका है। ये भी अच्छे से मैंने इसको भी मसाले लगा कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस मच्छी को फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई करने के लिए रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, ये भी और अच्छी है। अभी और 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने के लिए। इसको भी ब्राउन ब्राउन होने दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही चाहिए हमको। इस क्रिस्पी होने दीजिए इसको भी। कर्नाटक स्टाइल की है, फेमस यहाँ की। यहाँ पर ऐसे स्टाइल में बनाते हैं। जी हाँ, मेरे ससुराल में ऐसे ही तरीके से बनाते हैं फिश। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी होती है। ये भी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हमारी कर्नाटक स्टाइल की है। ये देखिए, अब हम इसको एक अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए, अब हम निकालेंगे एक अच्छे से प्लेट में। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसका मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसको मसाला बनाने के लिए, अब हम लेंगे छोटा सा पैन। अब उसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ऑयल हमारा। जी हाँ, जिससे हमने मच्छी फ्राई किया था। जी हाँ, वही ऑयल अब हम इसमें डाल देंगे। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। आधे से 1 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। देखते हैं, ऑयल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, 1 टीस्पून हमारा लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये है 1 टीस्पून हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है हमारा नमक, क्योंकि हमने नमक इसमें 1 टीस्पून हमने मच्छी में ऐड किया था, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक आप डालिए, 2-3 पिंच भी डालें तो चलता। तो अब हम हटा लेंगे गैस के ऊपर से इसको। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे। अब हम डालेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी और अदरक लहसुन। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। आप गैस को बंद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, और इसे अब हमने और 1 टेबल स्पून ऑयल फिर से डाल दिया है फ्रेंड्स। देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से बन रहा है, अच्छे से फ्राई हो रहा है। सिर्फ इसके अंदर मिर्ची, नमक और हल्दी, अदरक, लहसुन ही चाहिए इस मसाले को रेडी करने के लिए फ्रेंड्स। देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पक रहा है, अच्छे से फ्राई हो रहा है मसाला। चलिए, अब हम ये, चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको सर्व करके बताते हैं इसको कैसे कैसे डालते हैं इसके ऊपर। अब हम डालेंगे इसके ऊपर से ऐसे ही ये जो मसाला हमने बनाकर रेडी किया हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब हम अच्छे से मसाला डाल देंगे फ्रेंड्स। ये है हमारी कर्नाटक स्टाइल की मच्छी, रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं, हमारी पूस्ट 2 स्टाइल में मैंने आपको मच्छी बताई है कैसे फ्राई करते हैं। ये है हमारी हैदराबाद स्टाइल की मच्छी और ये है हमारी कर्नाटक की बिदर स्टाइल की मच्छी है। ये भी बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही मैंने यूनिक स्टाइल में आपको बताया है। आप दो भी तरीके से इसको ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी है। तो हम आपके साथ मिलेंगे, ये विंटर स्पेशल फ़िश फ्राई है। जी हाँ, तो हम आपके साथ मिलेंगे कल नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।